अब क्लास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डैम्प ऑक्सीलेशन, हाउ डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन। आज का हमारा टॉपिक है डैम्प ऑक्सीलेशन। डैम्प या डैम्पिंग का मतलब कमी कर देना, डैम्प का मतलब होता है कमी कर देना या कम कर देना। ऑक्सीलेशन आप जानते हैं वाइब्रेशन को कहा जाता है, टू एंड फ्रो मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन को कहा जाता है, यानी कि ऑक्सीलेशन के अंदर कमी करना क्या कहलाता है, डैम्प ऑक्सीलेशन। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरह से डैम्प ऑक्सीलेशंस की जाती हैं, किस तरह से ये फ़ायदे का अमल है, हम किस तरह से इससे फ़ायदा उठाते हैं डेली लाइफ के अंदर। वो सारी बॉडीज़ जो टू एंड फ्रो मोशन करती हैं उनकी डैम्पिंग है, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द ऑक्सीलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर डैम्प ऑक्सीलेशन। किसी भी बॉडी की ऑक्सीलेटरी मोशन इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स, यानी मोशन के दौरान अगर फोर्स मौजूद हो, रेजिस्टिव फोर्स मौजूद हो, तो ये कौन सा अमल कहलाएगा, डैम्प ऑक्सीलेशन। अब इसकी एक्सप्लेनेशन है, अब इसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आइडियल केस लेते हैं, आइडियल केस लेते हैं। आइडियल क्या होता है कि जो मतलब ऐसा सिस्टम जो 100% एक्यूरेट हो, लेकिन ऐसा तो मौजूद नहीं होता, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन, रुकावट मौजूद होती है, ठीक है। अब इसमें ना हम सबसे पहले आइडियल केस लेते हैं, यानी कि ऐसा केस, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर फ्रिक्शन मौजूद ना हो, हवा मौजूद ना हो, रिकावट मौजूद ना हो, कोई भी चीज़ रोकने वाली ना हो, तो क्या बॉडी ऑक्सीलेट करवाएगी, तो वो रुकेगा कभी भी नहीं। जब तक अगर कोई बॉडी एयर की गैर मौजूदगी या अगर कोई बॉडी फ्रिक्शन की गैर मौजूदगी में इसे मोशन दी जाए, तो वो बॉडी कभी भी स्टॉप नहीं होती, नेवर, कभी भी स्टॉप नहीं होगी। फ्रिक्शन ही तो ऐसी फोर्स है या रिकावट है जो बॉडीज़ को स्लो डाउन करवाती है, रोकती है। तो अगर फ्रिक्शन नहीं है तो मोशन विल नॉट स्टॉप। आइडियल केस में क्या है, कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, नो रेजिस्टिव फोर्स, तो जो दो बॉडीज़ होंगी, कोई भी बॉडी होगी, वो कभी भी स्टॉप नहीं करेगी, कंटिन्यूसली मोशन चलती रहेगी। लेकिन अगर हम इसको प्रैक्टिकली या रियल मायनों में या हकीकत के अंदर देखें, इन डेली लाइफ में ऐसा मुमकिन नहीं है, ठीक है। डेली लाइफ में तो फ्रिक्शन मौजूद है, डेली लाइफ में तो हम कोई भी रेजिस्टिव फोर्स लगाएंगे, कोई रेजिस्टिव फोर्स एग्जिस्ट करती है। मतलब जैसे कि अब मेरे और मोबाइल के दरमियान भी हवा मौजूद है, हवा रिकावट पैदा कर रही है, फ्रिक्शन पैदा कर रही है, तो क्या होता है कि फिर प्रैक्टिकली इन ऑल सिस्टम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिटार्ड द मोशन सो द सिस्टम डू नॉट ऑक्सीलेट इनडेफिनेटली, ठीक है। अब रोल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, द फ्रिक्शन रिड्यूसेस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज टाइम पैसेस। अब देखें रियल केस में क्या होगा कि फ्रिक्शन जो होगी वो प्रेजेंट होगी, ठीक है, तो ये क्या करेगी, मैकेनिकल एनर्जी को रिड्यूस कर देगी, रिड्यूस करवा के ये इसको कन्वर्ट करवा देगी किसी भी और एनर्जी में, चेंज करवा देगी, ठीक है। एंड द मोशन इज सेड टू बी डैम, दिस डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ मोशन। आप देखें ये आपकी एक फिगर बनी हुई है, इसे टाइम है और वहाँ पे हमारी डिस्प्लेसमेंट ली हुई है एक्स एक्सिस पे। तो ये देखें स्टार्ट में किस तरह था और फिर ये कंटिन्यूसली स्लो डाउन होता जा रहा है, तो यहाँ पे ये आपने फिगर मस्ट बनानी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डैम्प ऑक्सीलेशन क्या है। देखो ये वाला जो टॉपिक है इसको मैंने चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले आपने डेफिनेशन बयान करनी है, फिर उसका हमने रियल केस को डिस्कस किया, फिर हमने प्रैक्टिकल आइडियल केस को डिस्कस किया, फिर हमने रियल केस को डिस्कस किया। अब हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता रही हूँ, ठीक है। मैं इसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में क्या है, अब अगर हम वैसे ही देखें डैम्प ऑक्सीलेशन की तो बहुत सी एग्जांपल है, मैं वैसे ही बताती हूँ। जैसे आप देखें
गिटार जो बजाते हैं उसके जब हम धागे खींचते हैं, स्ट्रिंग्स को खींच कर छोड़ते हैं, तो उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। इसी तरह घरों में देखें आप, मैट्रेस पे बैठे हुए होते हैं, जैसे ही आप बैठते हो तो वो मूव करता है, ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो स्लो डाउन हो जाता है। अब इसकी जो आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है ना, शॉक एब्जॉर्बर की है, मतलब गाड़ियों मोटरसाइकिलों के अंदर शॉक एब्जॉर्बर लगा हुआ होता है, ठीक है, बेस्ट एग्जांपल है डैम्पिंग ऑक्सीलेशन की, शॉक एब्जॉर्बर। अब इसकी ये फिगर देखें शॉक एब्जॉर्बर की, इसके अंदर ना एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। अब बाइक के अगले टायर के साथ दो शॉक एब्जॉर्बर लगे होते हैं और पिछले टायर के साथ भी दो होते हैं। अगर आगे का और पीछे का कोई भी एक शॉक एब्जॉर्बर ख़राब हो जाए तो देखें आपको किस तरह एकदम से जर्क लगता है, झटका लगता है। तो शॉक एब्जॉर्बर जो होते हैं ना, जाम्स को या खड्डों को क्या कर देते हैं, काम कर देते हैं। जितनी अच्छी गाड़ी होगी उसमें बैठे मुसाफिरों को जाम्स हो गए या खड्डे हो गए कम महसूस होंगे। जितनी भी अच्छी क्वालिटी की गाड़ी होगी ना, उतने ही कम मुसाफिरों को जो अंदर बैठा हुआ है उसको जम कम से कम फील होगा। जितनी भी रफ़ रोड होगी, जितनी अच्छी गाड़ी होगी, उतने ही जंप्स वगैरह महसूस नहीं होंगे, क्योंकि उसमें शॉक एब्जॉर्बर कैसे काम करता है तो वो इस फिगर में आप देखें। इसमें स्प्रिंग लगा होता है, जैसे ही गाड़ी किसी जंप से या जो स्पीड ब्रेकर लगे हुए होते हैं, ये गलियों में लगाए हुए होते हैं ना जंप्स, जैसे ही गाड़ी उस पर से गुजरेगी ना तो पिस्टन प्रेस होगा। अब पिस्टन जब प्रेस होगा उसके अंदर एक लिक्विड मौजूद है, ऑयल मौजूद है, तो ऑयल को एनर्जी मिलेगी, ऑयल क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा। अब जब ऑयल गर्म होगा ना तो जो अच्छे शॉक एब्जॉर्बर ने एनर्जी ऑयल को दे दी तो जंप महसूस नहीं होगा। सिंपली ये कि शॉक एब्जॉर्बर जो होते हैं ना, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करा देते हैं हीट एनर्जी में, जिसकी वजह से जंप्स वगैरह जंप हो गई या खड्डे हो गए ये हमें फील, ठीक है। ये सारी एक्सप्लेनेशन इसमें दी हुई है। अब क्लास आपने इस वाले टॉपिक को अच्छे से अपनी कॉपी पे, नीट कॉपी पे लिखना है, जितने भी मैं नोट्स बना के दे रही हूँ आप सब ने राइट डाउन करना, मैं चेक करूँगी, ठीक है। और अपना काम काइंडली मुझे चेक करवाया करें ग्रुप में, कितना कर लिया आपने, ये मैं आपके लिए ही बना रही हूँ, तो प्रॉपरली इसको अच्छे से पढ़ें, समझें, नहीं समझ आ रही पूछें, अच्छे से इसको राइट करें। तीन क्वेश्चन आज के लेक्चर में मैंने दे दिए हैं, आप तीनों को आपने अच्छे से याद करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।